हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास सिक्स का मैथ्स करेंगे हम, और चैप्टर हमारा चल रहा है प्लेइंग विद नंबर्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो ध्यान से समझना बच्चों। तो अभी जो यहाँ पे आप करने वाले हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में है चीजें। क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब ये टॉपिक बच्चों आपका काफी जाना पहचाना टॉपिक है, इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फैक्टर्स क्या हो गया? फैक्टर्स को हम बोलते हैं गुणनखंड। पता है ये आपको? पता होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि गुणनखंड क्या होता है ना। और मल्टीपल यानी गुणज, ये भी पता होना चाहिए आपको क्या होता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ वंस अगेन। अगर फैक्टर की बात करें तो 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है? तो 12 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे बच्चों 1, 2, 3, 4 and 12। 6 भी होगा, है ना? सिक्स एंड ट्वेल्व। तो ये सभी संख्याएं, ये सभी नंबर्स 12 को पूरा पूरा भाग करती हैं। 12 एक से पूरा भाग होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से भी पूरा पूरा भाग होगा। इसलिए ये इसके हो गए फैक्टर्स गुणनखंड। कुछ चीजें इनमें ऑब्जर्व करेंगे आप, क्या चीजें हैं कि भाई जो ये नंबर्स हैं, ठीक है, जो इसके गुणनखंड फैक्टर्स हैं वो 12 के बराबर या उससे छोटे हैं, उससे बड़े नहीं है। इसी तरह से अगर गुणज की बात करें, 4 के मल्टीपल्स आपको लिखने हैं, तो 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 एंड सो ऑन, ये लिखते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स नंबर के बराबर या उससे बड़े होते हैं, जैसे पहाड़े लिखते हैं, टेबल लिखते हैं, उसी तरह से मल्टीपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये एक बेसिक मैंने रिकैप दे दिया था, आपने जो पढ़ा है, ठीक है, जो आपको पढ़ना है उस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए कुछ पॉइंट हैं बच्चों जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। क्या पॉइंट है ध्यान से देखिए, आपको बोला गया है, क्या पूछा है, इज देयर एनी नंबर विच अकर एज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्या बोला गया है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसी संख्या है जो हर एक संख्या का फैक्टर मतलब गुणनखंड हो। फैक्टर मतलब गुणनखंड हो, पता है आपको? फैक्टर यानी गुणनखंड। तो आपको बतानी है कोई ऐसी संख्या जो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक होता है, कैसे होता है? 6 का गुणनखंड क्या होगा? अगर 6 के गुणनखंड निकालेंगे तो 1 × 6 होगा, है ना? बाकी भी होंगे, 2 भी होगा, 3 भी होगा, लेकिन एक, देखिए 6 का गुणनखंड लिखेंगे तो उसमें भी एक आएगा, 18 के गुणनखंड लिखेंगे तो उसमें भी एक आएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए और उसके आप गुणनखंड निकाल के देखिए, उसमें हमेशा एक आएगा ही आएगा। तो क्या इससे ये बोल सकते हैं कि एक हर किसी का गुणनखंड है? बिल्कुल बोल सकते हैं। We say one is a factor of every number. हम कह सकते हैं कि एक हर एक संख्या का गुणनखंड है। क्या है? एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, ये नोट डाउन कर लेंगे आप। ये पॉइंट जरूरी है, जब भी आप गुणनखंड निकालें एटलीस्ट ये तो आपको पता होगा कि भाई एक तो ऑब्वियसली उसका गुणनखंड होगा ही होगा। अब एक पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पे, ध्यान से देखिए। कैन 7 बी अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ? क्या 7 खुद का गुणनखंड हो सकता है? इट सेल्फ मतलब अपने आप का।
क्या सात अपने आप का गुणनखंड हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे छह की बात कर रहे हैं तो छह अपने आप का भी गुणनखंड है, 18 की बात कर रहे हैं तो 18 भी अपने आप का गुणनखंड है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो क्या सात भी अपने आप का गुणनखंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों, अगर इसके गुणनखंड लिखेंगे सात के तो 7 × 1 आएगा, मतलब 1। तो हर किसी का गुणनखंड होता ही है, लेकिन वो नंबर खुद भी अपना गुणनखंड होता है, ये चीज ध्यान रखना है। व्हाट अबाउट 10 and 15? अब 10 और 15 के लिखिए, ठीक है। अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 का क्या हो सकता है गुणनखंड? भाई 10 को मैं लिख सकता हूं 1 × 10, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गए। या फिर 2 × 5 भी इसके गुणनखंड हो गए। खैर यहाँ पे इनकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है कि 10 भी खुद का गुणनखंड होता है। अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 भी खुद का गुणनखंड होता है, 1 × 15 कितना होगा, 15 होगा। तो 10 और 15 ये भी क्या है, अपने खुद के गुणनखंड हैं। तो यू विल फाइंड दैट एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे। तो मतलब आपको यहाँ पे ये पता लगेगा कि हर एक संख्या ऐसे ही एक्सप्रेस की जा सकती है, मतलब वो खुद का गुणनखंड होगी। हर एक संख्या में आप पाओगे कि वो खुद का गुणनखंड होगी, जैसे हर एक संख्या में आप पाओगे कि 1 उसका गुणनखंड होगा ही होगा, ऐसे ही वो खुद का भी गुणनखंड होगी। इस चीज से हम क्या बोल सकते हैं, वी से दैट एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक संख्या खुद का गुणनखंड होगी। ये दो पॉइंट हैं, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगर आप फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कर रहे हैं तो उनके बारे में ये पॉइंट्स आपको समझने होंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये लिख लिया है आपने, यहां पे देखिए आप लिखेंगे प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, ठीक है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, ये चीज आपको यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इससे अगला पॉइंट देखिए, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 16? 16 के गुणनखंड क्या होंगे? यहाँ पे बता दिए हैं कि 16 के जो गुणनखंड है 1, 2, 4, 8, 16 यही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, उससे पहले कुछ चीज जान लो, आउट ऑफ दीज फैक्टर, इन गुणनखंडों में से डू यू फाइंड एनी फैक्टर विच डज नॉट डिवाइड 16? तो आपको चेक करके बताना है कि क्या इनमें से कोई ऐसा गुणनखंड है जो 6 को पूरा पूरा भाग नहीं करता। तो फटाफट मुझे चेक करके बताइए कि 1, 2, 4, 8 और 16 में से क्या कोई ऐसा गुणनखंड है जो 16 को पूरा पूरा भाग नहीं करता, और अगर है तो कौन सा है। और उसी के साथ मेरा दूसरा सवाल है, 20 और 36 के भी गुणनखंड बताने हैं आपको, 20 and 26, 20 के और 36 के गुणनखंड बताइए फटाफट। तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और 20 के गुणनखंड लिखेंगे क्या होते हैं और 36 के। चलिए जल्दी से मुझे 20 और 36 के गुणनखंड बताएंगे, फिर आगे करेंगे इस क्वेश्चन को। जिसका भी आंसर आ जाए, जिसको भी पता लगे कि इनके क्या गुणनखंड होते हैं, हाथ खड़ा करेंगे बच्चों आप, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको।
तो ठीक है। हाँ जीआईसी पोखाल, जीआईसी पोखाल। बेटा जो भी बच्चा बात करना चाहे खड़े होके बात करें बेटा, आप माइक ऑन कर लें, अपना माइक ऑन कर लीजिए। सर, मैं कह रही थी ये नोट भी करना है कॉपी पे। बिल्कुल नोट भी करना है बच्चों, ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जो लास्ट में है वो करना है। अभी पहले आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद नोट करेंगे आप, ठीक है? पहले जो मैंने सवाल पूछा है बेटा उसका जवाब देंगे, 20 के और 36 के गुणनखंड क्या हैं, और क्या 16 के जो ये गुणनखंड हैं ये सारे के सारे 16 को भाग करते हैं। इन तीन सवालों का जवाब दीजिए मुझे आप पहले, फिर नोट करेंगे आप। बेटा कौन सी क्लास के हो आप, कौन सी कक्षा के हो छात्र? सर 6। कक्षा 6 के। तो बच्चों ये आते हैं ना आपको 20 और 36 के गुणनखंड निकालने, आते हैं नहीं आते? अभी बताइए मुझे, क्या ये निकाल पाओगे आप इसके गुणनखंड? बताइए, शाबाश बोलिए, शाबाश। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं अपना क्वेश्चन, क्या इनके गुणनखंड निकाल पाओगे 20 और 36 के? जैसे 16 के गुणनखंड यहां दिए हैं वैसे ही 20 और 36 के गुणनखंड निकालने हैं, क्या निकाल पाओगे, हाँ या ना? सर वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो निकाल के मुझे बताइए जो भी आपका आंसर आएगा। जीआईसी पबाऊं, जीआईसी पबाऊं। बेटा आपका आंसर आया किसी का? अगर आपका आंसर आ गया है तो बता दीजिए मुझे। बेटा नोट नहीं करना है अभी, किसी को कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ गुणनखंड निकाल के बताने हैं, और ये चेक करना है 16 के जो गुणनखंड है वो इसको पूरा पूरा भाग करते हैं या नहीं। नोट नहीं करना भी, रहन दीजिए। क्योंकि ये पूरा आपको नोट करना ही नहीं है, मैं बताऊंगा कहां से कहां तक नोट करना है, उसको मार्क करूंगा, सिर्फ वही नोट करना है, इसलिए ठीक है। जीएसई पवाऊं, बेटा बात कीजिए माइक लेके आप, शाबाश। माइक ले लीजिए कोई भी एक बच्चा और फिर आंसर बताएंगे। जी जी ऐसी सुल्तानपुर, बेटा आपने भी हैंड रेज किया था, अगर आंसर आया है तो बताइए मुझे, शाबाश। माइक लेके बताइए आंसर आप, कोई भी बच्चा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। एक, दो, चार, पांच, 20। 20, ठीक है। क्या नाम बेटा आपका? मानवी। मानवी, वेरी गुड। आप कक्षा 6 के छात्र हो ना, सभी बच्चे जो बैठे हैं? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका 36 का भी निकाला है आपने? चलिए कोई बात नहीं, नहीं अगर निकाला है तो बता दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे बताइए, आपने ये चेक किया 16 से ये 16 को पूरा पूरा भाग करते हैं या नहीं? 1, 2, 4, 6, 8, 16। वेरी गुड। यस सर। तो ठीक है बेटा, आप इसमें मेरे ख्याल से कोई एक आध नंबर और मिसिंग है जो इसका फैक्टर होना चाहिए था, एक बार फिर से चेक करिए सभी बच्चे। कोई बता सकता है कि कौन सा नंबर और आएगा इसमें? जीआईसी पोखाल, बेटा बताइए।
आपका आंसर अगर आया है तो शाबाश, गुड कोई भी मॉर्निंग बच्चा सर। बता दीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 1 2 किसका बता रहे हैं पहले मुझे ये बताइए, 20 का या 36 का? 36। 36 ठीक है। 1 2 आगे। तीन 18। तीन ठीक है। 18 18 36 चार नौ। नौ वेरी गुड। बारह। बस यही होंगे या और कोई भी है? अच्छा इस समय से क्या मिसिंग है, जो 20 के फैक्टर हैं इसमें क्या हो, कौन सा फैक्टर होना चाहिए? 10 10 वेरी गुड, 10 और आएगा, बहुत अच्छे। अब ये बताना है बेटा आपको कि जितने भी ये फैक्टर दिख रहे हैं 20 के या 36 के, तो इन फैक्टर से पूरा पूरा भाग होता है 20 या नहीं होता? एक दो चार छह इन सब से अगर 20 को भाग करेंगे तो पूरा पूरा होगा या नहीं होगा? सर हो सकते हैं। हो सकता है। चलिए आपको किसी एक का चेक करना है एक बार, आप सभी बच्चों के लिए है काम, ठीक है बेटा? आप एक बार चेक करिए इनको भाग देके देखिए, और शेष जीरो आना चाहिए, अगर शेष जीरो आएगा तो पूरा पूरा भाग होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? एक बार चेक करिए। शाबाश। तो यहां पे आप चेक करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, काफी बच्चों को डाउट है इसमें, ठीक है? तो दिक्कत क्या आ रही है आपके साथ, जो मुझे लगा जैसे 20 के फैक्टर निकालने हैं आपको, 20 के गुणनखंड निकालने हैं, तो आप मुझे लगता है डायरेक्टली आप लिखना शुरू कर देते हैं 1 2 5 एंड सो ऑन, है ना? लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई फैक्टर कोई नंबर मिस हो जाता है जो आप लिख नहीं पाते, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप मल्टीप्लाई करके लिखें। जैसे 1 × 20 कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए भाई। ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनको गुणा करके 20 आएगा, है ना? दो से चेक करेंगे, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको दो से गुणा करने पे 20 आ जाए? 10 है, ठीक है? तो ऐसे आप चेक करते रहेंगे, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको तीन से गुणा करने पे 20 आ जाए? नहीं है, तो छोड़ देंगे उसको। लेकिन 4 से अगर 5 को गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, है कि नहीं? बाकी और कोई नंबर मुझे लगता नहीं है ऐसा। तो इसीलिए अब यहाँ पे आपके लिए मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो गए। फैक्टर कौन से होंगे, यहां से लिखना शुरू कर दीजिए 1 2 4, ठीक है? 1 2 4 ये लिख दिया, फिर 5 10 20, 5 10 20, इससे आपके मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे और आराम से आप फैक्टर लिख पाएंगे, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, ठीक है? जैसे 36 है, 36 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर 36 की बात आती है तो 1 को 36 से गुणा करने पर 36 मिलता है। पहले दो पॉइंट जो हमने किए थे कि एक हर एक संख्या का गुणनखंड है और हर एक संख्या खुद का भी गुणनखंड होती है, तो वहां से 1 और 36 तो हमारे पास आ गया है। अब 2 को किससे गुणा करें कि 36 आ जाए? तो 2 को 18 से गुणा करने पे, 3 को 12 से गुणा करने पे, 4 को 9 से गुणा करने पे क्या आता है? 36 आता है। इसके अलावा देखिए 5 को किसी से गुणा करो, 36 नहीं आएगा। 6 को 6 से गुणा करने पे 36 आता है ना?
को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 36 आता है, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, फिर 9 यहाँ पे आ ही गया है ना। तो इस तरह से आप इसके फैक्टर भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। ठीक है, तो अगर ऐसे करके करेंगे तो आपके मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, शून्य के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपको सवाल दिया था कि क्या ये सभी संख्याएं, इनको चेक करके देखें तो ये 20 से भाग, 20 को पूरा पूरा भाग कर रही है या नहीं। तो देखिए ऐसे चेक करना है, 20 को 20 से भाग करके देखिए, इससे चेक करें तो 20 एकम 20 शेष शून्य बच गया है ना, तो इससे पूरा पूरा भाग हो रहा है। इसी तरह 10, 5, 4, 2, 1 से करके देखेंगे डिवाइड, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। ये चीज समझ गए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि हाँ ये पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो बस ये चीज इसलिए चेक करने के लिए बोली है आपको बच्चों, क्योंकि यहां से एक प्रॉपर्टी आती है, यू विल फाइंड दैट एवरी, यहां से नोट डाउन करेंगे, अब आप यहां से नोट डाउन करेंगे, यहां तक सिर्फ इतना ही नोट डाउन करेंगे, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, ये यहां से यहां तक नोट डाउन करेंगे। जीआईसी डुंगरी सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, जीआईसी डुंगरी से भी, बाकी बच्चे खाली क्यों बैठे हैं, नोट डाउन क्यों नहीं कर रहे भैया आप, चलो जल्दी नोट डाउन करो सब बच्चे, मैंने बताया है आपको। आपके लिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूं इसको, ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूं जो इसके फैक्टर हैं, यहां से एक मिसिंग था 36 का फैक्टर, वो भी आप लिख लीजिए जो मैंने वहां पे लिखवाया था। अब अगर आप हिंदी में इसको लिखेंगे तो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड उसका विभाजक होता है, ठीक है, ये हिंदी में आपके लिए है, पता होना चाहिए आपको, बाकी यहां से यहां तक आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कीजिए। सब बच्चों ने कर लिया है नोट डाउन, हाथ खड़ा करेंगे, जीआईसी पोखाल, जीआईसी डुंगरी, अगर सबने नोट डाउन कर लिया है, सिर्फ इतना सा ही नोट डाउन करना था, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है ये, हो गया होगा अब तक आपका, हाथ खड़ा करेंगे अगर नोट डाउन कर लिया तो आपने, वेरी गुड वेरी गुड, जीआईसी डुंगरी ने कर लिया है, जीआईसी पोखाल, ठीक है शाबाश, हाथ नीचे कर लीजिए बेटा, वेरी गुड। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों फैक्टर और मल्टीपल्स के, जो अगर आप करेंगे तो उसके बाद फैक्टर यानी गुणनखंड या फिर मल्टीपल यानी गुणज, आगे जाके गुणज के भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, अभी तक फैक्टर्स के चल रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे, माइंड में आपको रखने हैं ये, ताकि आपको पता रहे कि फैक्टर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है और किस तरह से हम उन फैक्टर्स को लिख सकते हैं। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क ये रहेगा, अभी सिर्फ 3 पॉइंट्स ही हमने किए हैं और समय हमें किसमें लगा, एक बार जो आप फैक्टर निकाल रहे थे उसमें हमको काफी समय लग गया है। तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, कुछ मैं नंबर आपको और दे देता हूं, कुछ होमवर्क दे देता हूं, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ
फॉलोइंग, जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके से इनके गुणनखंड आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले 12 है, इतने इनफ है। ये होमवर्क में आप करके लाएंगे बच्चों, सब नोट डाउन कर लीजिए। फैक्टर यानी गुणनखंड सबको पता है, हिंदी में लिखने की इसको जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। ये इजी चीज है। जो थोड़े है टफ वर्ड्स होंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा हिंदी और इंग्लिश में साथ साथ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर भी कहीं पे दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इनको आप नोट डाउन करेंगे और होमवर्क में जरूर करके लाएंगे, ठीक है बच्चो? तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। जो भी आपने क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़े हैं और जो पॉइंट्स आपने किए हैं उनको भी रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।